गुड राइटिंग स्किल, मतलब क्या हुआ इसका? अच्छी लेखन क्षमता, राइट? अच्छी लेखन क्षमता हमारे लिए क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुड राइटिंग हियर? तुम लोग पास नहीं है? दे दो, हाथ तो ऐसे बांध के बैठे हुए हो जैसे कि प्रधानमंत्री आएंगे। लर्नर, लर्नर लास्ट पॉइंट पे, ठीक है? अगर वो चीज नहीं है तो आप उसको मांगिए। नेक्स्ट देखते हैं, गुड राइटिंग स्किल, अच्छी लेखन क्षमता। क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं मैं? लेखन क्षमता, बोले सर मैं तो बहुत अच्छा लिखता हूं, मैं तो पेन उठाता हूं तो जबरदस्त जज्बात निकलते हैं। बट यहां जो 1750 नंबर, याद रखिएगा 1750 मार्क्स इन यूपीएससी, इट्स ऑल अबाउट योर राइटिंग। अभी आपने देखा कि आपकी जो फिफ्थ रैंकर है उनका वीडियो आजकल चल रहा है और उन्होंने कहा कि मेरी सफलता के पीछे मेरी राइटिंग स्किल सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। देखा होगा आप लोगों ने इंटरव्यू, ठीक है? उन्होंने कहा कि मेरी सक्सेस के पीछे राइटिंग स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। राइटिंग के साथ एक वर्ड जुड़ा हुआ है, स्किल। वी ऑल डू राइटिंग। मैं अभी पेन दे दूं, अभी बोलूं कि अपने जज्बात लिखिए, आप देखिए पेपर पे कैसे लिख देते हैं, हर चीज के बारे में लिख सकते हैं। बट यहां मैं वर्ड यूज कर रहा हूं स्किल। इस वर्ड में डिफरेंस है। अ पर्सन हु इज राइटिंग देयर ओन थॉट्स इन अ लाइन्स इन अ वर्ड्स, एक शब्द वो लिखने की कोशिश कर रहा है, वो एक अलग चीज होती है। स्किलफुली राइटिंग, एक बिल्कुल अलग चीज होती है। सबसे लॉन्ग प्रोसेस है हमारी यूपीएससी में। स्किलफुल राइटिंग का मतलब होता है, पहला चीज है गागर में सागर। जब उसकी एक लाइन पूरी हो तो वो अपने उद्देश्य के साथ हो, अपने पर्पस के साथ हो, ठीक है? मैं तुम्हें बताता हूं ऐसा क्यों होता है। जब आप ऑफिसर बनोगे आपके सामने ढेर सारे डॉक्यूमेंट्स आते रहेंगे, ठीक है? उसमें आप कई डॉक्यूमेंट्स फाड़ के फेंक दोगे अपने जूनियर अधिकारियों के। रीजन, अगर उन्होंने टू द पॉइंट नहीं लिखा है और आपके पास चूंकि पढ़ने के लिए ऐसा टाइम तो है नहीं कि पूरे दिन भर में एक पेपर पढ़ना है, आपके पास तो फाइल पे फाइल आती जाएगी। आप सिर्फ जो है वो उससे ये भी कहोगे कि जो पॉइंट है उसको हाईलाइट कर दो जहां पे मुझे फोकस करना है। आई डोंट हैव सच टाइम, मुझे या तो उसको काट देना है या मुझे उसको पास करना है, मुझे साइन करना है, ठीक है? और आप उसी लेटर को एक्सेप्ट करोगे, उसी चीज को पढ़ोगे जो टू द पॉइंट होगा। यानी कि जो व्यक्ति है यहां पर, जो आप लिखने जा रहे हो, अगर आपसे आज मैं लिखा लूं और मैं कहूं बेटा इसमें खूब ढेर सारा लिखो, अभी देखो आप कैसे जज्बात लिखने शुरू करोगे अपने, ठीक है? झांसी की रानी और उसके बारे में, लड़ाइयों के बारे में खूब जज्बात लिखोगे। लेकिन यहां वो स्टूडेंट होता है जिसके पास अपनी पूरी फीलिंग्स को लिखने के लिए कम से कम वर्ड वो सेलेक्ट करता है। वर्ड्स इतने पंक्चुएशन, इतने पंच लाइन के साथ, इतने इफेक्टिव होने चाहिए कि पढ़ने वाला एक बार उस पर रुके, यस दिस इज द डिफरेंस, इसके पास होना चाहिए। तो राइटिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट राइटिंग हमारी स्किल होती है वो होता है सबसे बड़ी बात गागर में सागर। यानी LWMI, लेस वर्ड मोर इन्फॉर्मेशन। पहला तो नियम नंबर एक होता है स्किलफुल राइटिंग का, लेस वर्ड मोर इन्फॉर्मेशन, कम शब्दों में अधिक जानकारी देने की क्षमता। लेस वर्ड मोर इन्फॉर्मेशन, आज से इसको कंठस्थ कर लो। LWMI पहला सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट का पहला और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। क्लियर है? गागर में सागर, यानी आपको क्या करना है, लेस वर्ड मोर इन्फॉर्मेशन देनी है। दूसरा, इंपैक्टफुल। प्रभावयुक्त, वो जब पढ़े तो उसको जनरल बात। एक स्टूडेंट लिखता है, भारत के पड़ोसी देशों के साथ भारत के संघर्ष लगातार बने हुए हैं, ये तनाव हम देखते हैं 1947 के बाद बना हुआ है, ठीक है? टेंशन राइज आफ्टर 1947, बार 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 वो यही बात कह जा रहा है। एग्जामिनर खुद को क्या लिख रहा है यार ये, ठीक है? भारत में गरीबी हमेशा से चिंता का विषय रही है, ठीक है? भारत में हमेशा गरीबी बनी रही है, सरकार गरीबी हटाने का लगातार प्रयास कर रही है, इसके बाद भी भारत से गरीबी नहीं हट पा रही है। अरे ये तो वो भी जानता यार। सो व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस इज यू मस्ट राइट इंपैक्टफुली। इंपैक्टफुली का मतलब, अकॉर्डिंग टू द तेंदुलकर कमेटी के हिसाब से भारत में ये गरीबी है, और गरीबी जो है उसके ये कारण निम्न है। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन आर देयर, ठीक है? नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, देयर इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ पुअर्टी इन इंडिया। वन इज मेटेरियल पुअर्टी, साइकोलॉजिकल पुअर्टी, कल्चरल पुअर्टी एंड डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिटिकल पुअर्टी। हमारे यहां राजनीतिक गरीबी, मानसिक गरीबी, आर्थिक गरीबी, भौतिक गरीबी पाई जाती है। एंड जनरली इन अवर पॉलिसीज वी जनरली मेजर मटेरियल पुअर्टी। हम जनरली क्या करते हैं, वो केवल जो है रुपए पैसे वाली गरीबी देखते हैं, बट वी नेवर कंसिडर द पॉलिटिकल एंड कल्चरल एंड मेंटल जो है साइकोलॉजिकल पुअर्टी। हम मानसिक गरीबी के बारे में बात नहीं करते। एक आदमी जो अपनी सिचुएशन से निकलना ही नहीं चाहता, उसके लिए कौन सी प्रोग्राम एंड पॉलिसी तुम काम करोगे?
कर पाओगे? नहीं कर पाओगे. सो दिस इज द डिफरेंस. जहां एक जनरल स्टूडेंट लिखता है और एक स्टूडेंट सेम आंसर को इंपैक्टफुली उठा लेता है. क्लियर हुआ? यानी प्रभावयुक्त आपकी राइटिंग होनी चाहिए. LWMI और प्रभावयुक्त, ठीक है? यानी आप जो भी बात कहें, आपकी कलम से निकला हुआ एक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए. तीसरा, मल्टी डायमेंशनल. बहुआयामी, बहुआयामी, ठीक है? अभी तुम लोगों से आंसर राइटिंग कराऊंगा थोड़ी देर में, और तुम देखना कैसे लिखते हो. यानी तुम्हारे जो है, जब भी कोई टॉपिक तुम्हें दिया जाए, उस पर आप मल्टी डायमेंशनल अप्रोच करके लिखो. अगर सोसाइटी है तो वो इकोनॉमिक से कैसे रिलेटेड है, ठीक है? सोसाइटी है वो साइंस से कैसे रिलेटेड है, सोसाइटी हिस्ट्री से कैसे रिलेटेड है, और सोसाइटी ज्योग्राफी से कैसे रिलेटेड है. सो जब आप किसी भी चीज को कई और फैक्टर के साथ जोड़ने की कैपेबिलिटीज जनरेट कर लेते हो, उसको हम लोग बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल अप्रोच. विवेक वो ग्राफ ले आ दो सबके लिए, ठीक है? उसको हम लोग बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल अप्रोच. लेकिन ज्यादातर मैंने देखा स्टूडेंट क्या होता है, वो एक चीज उठाता है, ठीक है, और उसी के बारे में, नाउ वी आर डिस्कसिंग द सोसाइटी एंड सोसाइटी इज दिस, और फिर उसके बारे में वो पूरा जो है कहानी बनाना शुरू करता है, सोचता है कि मुझे बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे. बट वो क्या करता है, सबसे गलत काम कर देता है. यूपीएससी कहता है कि आप किसी भी चीज के कितने मल्टी डायमेंशनल अप्रोच दे सकते हो. याद रखना, तुम्हारे सिलेबस को ऐसा चूज करके बनाया गया है जिसमें मोस्ट ऑफ द टाइम तुम्हें इश्यूज और कॉन्फ्लिक्ट का सामना हो जाएगा. तुम्हारे सब्जेक्ट में कहीं नहीं पूछा गया है कि भूमंडलीकरण से आप क्या समझते हैं, ठीक है? महिला सशक्तिकरण क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय वुमेन एम्पावरमेंट, ये कभी टॉपिक तुम्हारा न रहा है न रहेगा. वो ऐसे ही टॉपिक को चूज करते हैं जहां या तो इश्यूज होते हैं और या तो वहां कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं. याद रखना, यूपीएससी का सिलेबस जब मैं डिस्कस करूंगा, तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा उसके अंदर. वो भानुमति का पिटारा है उसके अंदर. मैंने क्या बताया, यूपीएससी ऐसे टॉपिक चूज करता है जिसमें इश्यूज होते हैं और या तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, या तो वो मुद्दे हैं या वो विवाद है, या तो वो मुद्दे हैं या वो विवाद है. कितने लोग इन दोनों का अंतर समझते हैं? वो जनरली यूपीएससी जो होता है वो घटनाओं को यानी इवेंट्स को वो क्या करता है, डिस्कार्ड कर देता है, हटा देता है, वो घटनाओं को नहीं पूछता. और आश्चर्य करोगे, 90% स्टूडेंट और मोर देन 90% ऑफ द बुक्स इन द मार्केट इज टोटली डिपेंड ऑन इवेंट्स. ज्यादातर 90% जो किताबें हैं और 90% जो स्टूडेंट हैं वो घटनाओं पे फोकस करते हैं. राष्ट्रपति कहां गए थे, प्रधानमंत्री ने किस देश की यात्रा की थी, किस तारीख को वो गए थे, कितने करोड़ का समझौता हुआ है, कौन कौन से प्रमुख समझौते हुए हैं. यही होता है, भारत की जनसंख्या कितनी है, महिला कितनी है और पुरुष कितने हैं. बट इश्यूज और कॉन्फ्लिक्ट्स में अंतर होता है, ठीक है? इश्यूज के तीन डायमेंशन होते हैं, याद रखना. इश्यू वो होता है, किसको बोलते हैं इशू, इशू वो होता है जिसका एक पास्ट होता है. याद रखिएगा, आइडेंटिफाई करना आपके लिए बहुत आसान है, पास्ट होता है. इशू वो होता है जो प्रेजेंट यानी वर्तमान में भी डिपेंड होता है, मौजूद होता है. और इशू वो भी होता है जिसका फ्यूचर में सॉल्यूशन निकलना अभी संभव नहीं है, जिसका भविष्य में भी कॉन्टिन्यूएशन बना रहेगा. दैट इज नोन एज, क्या बोलेंगे उसको, इशू बोलते हैं. बहुत महत्वपूर्ण है, कम से कम 60-70% जो पेपर आता है इश्यू बेस आता है. हम किस पे फोकस करते हैं, इवेंट्स पे फोकस करते हैं. आज प्रधानमंत्री का दौरा कहां है, कितने परसेंट लोग वोट देने चले आए, ठीक है? यही तो आजकल चल रहा होगा न्यूज़पेपर में. अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा, राहुल गांधी ने क्या कहा, कितने हजार करोड़ रुपए जो है अकाउंट में, कितने हजार रुपए दिए जाएंगे, ठीक है? कितना कर्ज माफ हो गया, कितने मजे से हम इसको कॉपी में भी लिखते हैं. बट दैट इज इवेंट्स. इवेंट्स का मतलब इवेंट्स एब्सोल्यूट होते हैं, यानी वहीं के वहीं वो ओरिजिनेट होते हैं और वहीं के वहीं वो खत्म हो जाते हैं. और हम 90% टाइम और रिसोर्स किसके लिए लगा देते हैं, इवेंट्स, क्योंकि इसमें क्या होता है, बहुत इजीनेस होती है. अच्छा, प्रधानमंत्री यहां गए, ओके प्रधानमंत्री यहां गए, हाँ इतने करोड़ का समझौता हूं, इतने करोड़ का समझौता हूं, और हमें लगता है यस मैंने आज बहुत मेहनत से पढ़ाई की. बट आप डिसओरिएंटेड हो, ठीक है? अगर आप वही मेहनत कहां आपको करना है, इशू, इसका एक पास्ट होता है, अतीत होता है, इसका प्रेजेंट होता है, और इसका फ्यूचर में भी कोई सॉल्यूशन ना निकल. जैसे इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप, जाने कितनी बार आया, सिंधु जल समझौता, इंडस वाटर ट्रीटी, ठीक है, मुल्ला परियार डैम का इश्यू, ठीक है, मुल्ला परियार बांध का, भारत में किसानों की गिरती स्थिति, ठीक है, द स्टेचर ऑफ फार्मर्स इन इंडियन एग्रीकल्चर,
तो ये सब क्या है? क्या वो किसान आज बर्बाद हुआ है? उठाकर अंग्रेजों के टाइम पे तुम देखोगे, कभी प्रेमचंद को पढ़ोगे, उस समय भी वो बर्बाद था, आज भी है। और क्या फ्यूचर में हमारे पास कोई रिलेशन, कोई है सॉल्यूशन कि हम आज बोल दें कि 5 साल बाद हमारा किसान जो होगा देश का सबसे अमीर आदमी होगा, अंबानी के साथ उठकर चाय पीना शुरू कर देगा वो, या कभी वो आत्महत्या नहीं करेगा, सुसाइड नहीं करेगा? है तुम्हारे पास कोई भी आउटपुट? क्या तुम ये कह सकते हो कि पुलवामा अटैक के बाद या तुमने इतना जो है फोर्सेस लगा दिया, क्या अब कभी इंडिया और पाकिस्तान में कोई टेंशन नहीं जनरेट होगी? फ्यूचर में होगी कि नहीं होगी? अवश्य होगी। क्या तुम ये कह सकते हो कि पॉल्यूशन को तुम ये फलाना पॉलिसी लाकर तुम पॉल्यूशन को खत्म कर दोगे? इट इज पॉसिबल। या मरीन पॉल्यूशन यानी समुद्री प्रदूषण को तुम जो फ्यूचर में क्या कर लोगे, बचा लोगे? ठीक है। या अगर आज तुम पृथ्वी की जो है वो गर्मी को बढ़ने से बचा पाओगे तो कल ग्लेशियर जो पिघल रहे हैं उनको तुम रोक लोगे? सो ध्यान से देखना, याद कर लो इसको। वो सभी जो अतीत में भी कंटिन्यू थे, मुद्दे थे तुमसे पहले भी, आज भी हैं, और फ्यूचर में भी उनका सॉल्यूशन निकलने की संभावना नहीं दिखाई पड़ रही, या वो एक चैलेंज है, वो हमारे लिए क्या है, इश्यूज है, इश्यूज है। और नहीं तो एक काम करना, मुझसे वो नीति आयोग का फ्लो चार्ट जरूर लेना, जिसमें मैंने 41 इश्यू डिस्कस किए थे। ठीक है, तुम्हारा 60-70% मेंस का पेपर उसी के अंदर से आना है।